दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाले क्रिसमस का पर्व इस बार फीका रहेगा। जी हां, रिज मैदान के ऐतिहासिक चर्च में होने वाली विशेष प्रार्थना सभाएं और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। क्रिसमस के पर्व पर आने वाले लोगों को बाहर से ही जीसस के दर्शन करने होंगे। इस दौरान चर्च के अंदर 50 से ज्यादा लोगों को प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस बार क्रिसमस पर राजधानी के बाजारों में भी रौनक देखने को नहीं मिली। लोग भी इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस पर उत्साहित नहीं है। क्राइस्ट चर्च के पादरी ने कल क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से जानकारी दी। हमारे क्रिसमस प्रोग्राम भी उस रीति से नहीं हो पाएंगे जैसे हम पहले करते आए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक तो नाइट जितने हमारे प्रोग्राम होते थे वो सब कैंसिल हैं, दिन में ही होंगे। और दूसरी गैदरिंग भी हम लिमिटेड करेंगे कि 50 लोगों से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, ताकि किसी भी तरह का हम रिस्क ना लें अपने लिए ना दूसरों के लिए। और जो प्रिकॉशन SOP गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको देखते हुए हम उनका फॉलो कर रहे हैं, मास्क का, सैनिटाइज़र का, और सैनिटाइज का चर्च को भी बार बार सैनिटाइज किया जाता है वर्शिप के दौरान। बाकी जैसे हम क्रिसमस के टाइम पूरी पब्लिक के लिए चर्च खुला करते थे और पूरी पब्लिक चर्च में आ जाती थी, इस बार हम ये नहीं करेंगे, केवल थोड़ी देर के लिए चर्च खोलेंगे जहां हम कम्युनिटी वर्शिप करेंगे 50-60 लोग, उसके बाद हम बंद करेंगे। चर्च के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि वहीं से लोग आकर अपनी प्रेयर अपनी कर सके, और वहीं से ही लोग जाएंगे अंदर, हम फिर अलाउ नहीं करेंगे कि भीड़ इकट्ठी हो जाए। और दूसरा, हमारा जो क्रिसमस केक करता था और डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इस बार वो नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो नहीं, खाना पीना का कोई भी प्रबंध यहाँ पर नहीं होगा। और क्रिसमस के बाद 25 को जैसे प्रीति भोज होता था, इस बार वो भी हम नहीं कर रहे हैं। अपने अपने घरों में ही लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे, खाना करेंगे, और यहाँ जो कम्युनिटी लेवल के जो भी प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ प्रेयर यहाँ पर होगी और वो भी कम लोगों के साथ, थोड़े लोगों के साथ, ताकि हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, क्योंकि ये वायरस का खतरा भी टला नहीं है, तो इसको हम देखते हुए ये प्रोग्राम हमने बनाया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।